बालागढ़ की महाकालेश्वर उप ज्योतिर्लिंग मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। रात 2:30 बजे के करीब महाकालेश्वर उप ज्योतिर्लिंग मंदिर में 8 से 10 की संख्या में हथियारों से लैस बदमाशों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों द्वारा मंदिर के सारे कीमती सामानों की चोरी कर ली गई है तथा बदमाशों द्वारा मंदिर के पुजारी व शेबादार के साथ अभद्रता की भी सूचना मिली है। इस बारे में जब हमने पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बदमाशों को वो नहीं पहचानते हैं। पुजारी द्वारा मामले की जानकारी नालागढ़ थाना को दे दी गई है तथा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोशन लालाई। हाँ जी। और मैं यही साथ में दत्तौड़ में रहता हूँ और हमारे गुरु जी है जी यहाँ पे। और मैं सुबह जब अभी 9:30 बजे के करीब यहाँ मंदिर में मत्था टेकने के लिए आया तो जब मैंने गुरु जी के पास आया तो गुरु जी ने बोला कि अंदर जाकर देख। जब मैंने एक देखा अंदर तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी की कोई भी जान का ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गुरु जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया मैं हर रोज सुबह फोन किया जी, किसी अखबार वाले लड़का उन्हें फोन किया था, कहता बाबा जी रात चोरी होगी कि जो पैसा तेला सारा ले गया तो जो बाबा जी कुटे नहीं है, हाथ नहीं लगाया, पैसे जो समान था सारा लेके ठा के हो 8-10 जने कहता है। मतलब कितने 8-10 जने आए थे? 8-10 जने उसने बोला 8-10 जने आए जी। अच्छा, बाबा जी ने बताया ना उसमें भी 8-10 जने थे, मुंह बांधे हुए थे, फिर उससे पता चला हमें। तो क्या ले गए, कुछ पता लगा अभी? वो हम बाबा जी से पूछेंगे क्या क्या ले गए क्या क्या नहीं थी। हम तो अभी सुबह आए उसके फोन जाने के बाद। गुरु जी ये बताइए कि क्या हुआ? ऐसा हुआ कि 2:30 बजे के करीब का टाइम था, हम सोए हुए थे, हमारे साथ एक सेवादार है तो बाहर से दरवाजा खड़खड़ाया तो हमारा सेवादार उठा, उसने उसको खोला तो उन खुलते ही मतलब 4-5 आदमी तो अंदर आ गए, उसको दबा लिया, उसका फोन छीन लिया और जो हमने कुत्ती रखी हुई है वो उनके ऊपर टूट कर पड़ी और उन्होंने कुत्ती को मारा। कुत्ती के बाद सुनकर मैं बाहर निकला, एकदम खाली हाथ था मैं, मेरे को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था ना जहाँ पर है। और जब मैंने पूछा भाई तुम क्यों आए के कैसे आए तो उन्होंने मेरे को फाड़ लिया। जब मेरे को फड़ा था मैं आप थोड़ा झटका देकर अपने आप को छुड़ा लिया, उसके बाद मेरे को 3-4 आदमी ने फाड़ लिया, फिर मेरे को बैठा लिया कि तुम आप जहाँ पर बैठ जाओ। जब मैं जहाँ पर बैठ गया तो मैंने कहा हाँ जी बोलो क्या बात है, कहते हैं कि देखो हमने आपकी तलाशी लेनी है, जो भी हमें मिलेगा हम ले जाएंगे, अगर आप चुपचाप नहीं बैठोगे तो हम आपको गोली मार देंगे। मैं उन्होंने ठीक है भाई आप तलाशी ले लो मेरे पास क्या है, उन्होंने जो भी दोनों कमरों की तीनों कमरों की तलाशी ली, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला वो जाने पर मेरा जो सामान पूजा वाला अन्य कोई और सामान था जिसको कि कई बार मेरे को भी जानकारी नहीं होती, जो सेवा लोग जहाँ दे कर जाते हैं तो वो सारा सामान ले गए। अच्छा, कितने बंदे थे वो? कम से कम जी 8-10 बंदे थे। 8-10 बंदे थे? 8-10 बंदे। पहले उन्होंने कैमरे की तार काटी, तार काटने के बाद वो अंदर आए, उनको तो पहुंचा जब हमने, और फिर दबोचने के बाद हम दोनों को एक कमरे में बंद कर गए। कोई हथियार भी थे उनके पास? उनके पास हथियार भी थे, एक तो पिस्टल दिखती है, एक के पास पिस्टल थी। अच्छा जी। और हर एक के पास डांग थी बांस की। अच्छा, तो तकरीबन कितने बजे की बात ये देखो टाइम तो हमें देखने की फुर्सत नहीं दिया उन्होंने, तकरीबन मेरे अंदाज से 2 बजे करीब की बात है, थोड़ा कम हो थोड़ा ज्यादा हो। तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट? हाँ, सवेरे मैंने पुलिस को रिपोर्ट दी। नालागढ़ से बीबीएन ब्यूरो अजय रतन की रिपोर्ट।